एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास 12 का चैप्टर 10 ए, जिसमें हम देख रहे हैं डिफरेंशिएशन। और इस लेक्चर में हम आरएस अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें हम चैप्टर 10 ए का क्वेश्चन नंबर 18 यानी 18 नंबर क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में हमने इसका प्रीवियस क्वेश्चंस और इसका इंट्रोडक्शन पार्ट किया हुआ है, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप उस वीडियो को जाके प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। और आप एक बार प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आप एक बार प्रीवियस वीडियो को ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते इस वीडियो को। इसमें देखेंगे चैप्टर 10 ए का क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें बोला जा रहा है डिफरेंशिएट इच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में क्वेश्चंस को डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन है अंडर रूट कॉस 3x। अब इस क्वेश्चंस के लिए जो है फार्मूला जो हम यूज करने वाले हैं, पहले उसको लिख देते हैं। टोटल तीन फार्मूले का यूज होगा, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स। सेकेंड फॉर्मूला हो जाएगा हमारा डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा, 1/2 अंडर रूट एक्स। और तीसरा जो हमारा फॉर्मूला होगा वो हमारा हो जाएगा डी बाई डी एक्स के एक्स, और किसी भी के फॉर कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट के साथ डिफरेंशिएशन कराएंगे तो कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। इन तीनों फॉर्मूला का यूज हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं। अब नेक्स्ट क्या होगा कि क्वेश्चंस को लेट करेंगे, लेट वाई इक्वल टू अंडर रूट कॉस 3x। लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स डी अंडर रूट कॉस 3x बाई डी एक्स, ये हो गया। अब इसके बाद चेन रूल अप्लाई होगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स डी एक बार पूरा लेंगे, यानी अंडर रूट कॉस 3x बाई डी कॉस 3x इंटू, तो यहाँ पे एक बार हम पूरा का ले लिए, अब क्या करेंगे, डी रूट के अंदर वाला यानी कॉस 3x बाई डी 3x इंटू, अब एक बार 3x का यानी डी 3x बाई डी एक्स। अब यहाँ क्या आप ध्यान देंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स और कॉस 3x है, रूट में है, और रूट का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, तो x से क्या है, कॉस 3x, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 रूट कॉस 3x इंटू। यहाँ पे ध्यान देंगे cos 3x है, तो cos का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन एक्स, और x के बराबर कितना है, 3x, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस साइन 3x, और 3 यहाँ पे आगे आ जाएगा dx बाई dx, ये तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू माइनस 3 साइन 3x बाई 2 रूट कॉस 3x, तो यही हमारा आंसर होगा, dx dx आपका कैंसिल हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, अंडर रूट कॉस 3x क्वेश्चन था, x के रिस्पेक्ट में क्या करना था, इसको डिफ्रेंशिएट करना था। तो फर्स्ट इसमें तीन फार्मूला यूज किए हैं, d बाई डी एक्स कॉस 3x इक्वल टू माइनस साइन x। सेकेंड फार्मूला है d बाई डी एक्स अंडर रूट x इक्वल टू 1/2 रूट x, और थर्ड फार्मूला है d बाई डी एक्स के एक्स के, इसका कितना हो जाता है, के। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि जो भी क्वेश्चन है उसको y लेट करें, यानी लेट y इक्वल टू अंडर रूट कॉस 3x। लैंग्वेज लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड वी गेट dy बाई डी एक्स डी अंडर रूट कॉस 3x बाई डी एक्स। अब यहाँ के बाद चेन रूल अप्लाई होगा, यानी dy बाई डी एक्स डी कॉस 3x एक बार पूरा रूट के साथ, और x से जो है कॉस 3x, सेकेंड रूट के अंदर यानी कॉस 3x डी कॉस 3x बाई 3x, और एक बार केवल 3x का डी 3x बाई डी एक्स। नेक्स्ट डी वाई बाई डी एक्स रूट में है, और रूट का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स, यानी 1/2 रूट कॉस 3x इंटू
कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो एक्स पे थ्री एक्स यानी माइनस साइन थ्री एक्स इंटू थ्री आगे हो जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, ये कैंसिल वन। अब थ्री आगे ले लिए माइनस साइन थ्री एक्स बाई टू रूट कॉस थ्री एक्स, यही हमारा आंसर होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 नंबर क्वेश्चन में क्या है, डिफ्रेंशिएट ईच ऑफ द फ्लोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है थ्री अंडर रूट साइन टू एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए हम टोटल तीन फार्मूला यूज करने वाले हैं। फार्मूला पहले लिख देते हैं, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है कॉस एक्स। सेकेंड फार्मूला देखेंगे, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन इक्वल टू क्या होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। और तीसरा फार्मूला हम देखेंगे, तीसरा फार्मूला हो जाएगा डी बाई डी एक्स के एक्स कितना हो जाएगा के। और फोर्थ फार्मूला भी देख लेते हैं, वो तो आपको पता भी है। फोर नंबर फार्मूला जो है डी बाई डी एक्स के इक्वल टू जीरो, किसी भी कॉन्स्टेंट का कितना हो जाता है जीरो। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो पहला स्टेप क्या होता है, लेट वाई इक्वल टू थ्री साइन टू एक्स, या इसको ऐसे भी तो सकते हैं साइन टू एक्स के पावर वन बाई थ्री। ये जो थ्री है ये ऊपर चल जाएगा, वन बाई थ्री हो जाएगा। यदि यहाँ पर थ्री नहीं रहता तो ये रूट में होता, स्क्वायर रूट में, तो वन बाई टू होता है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लैंग्वेज लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी पूरा का एक बार साइन टू एक्स के पावर वन बाई थ्री डी एक्स। अब यहां के बाद हमारा चेन रूल अप्लाई होगा, यानी क्या हो जाएगा ये डी वाई बाई डी एक्स डी साइन एक बार पूरा लेंगे यानी साइन टू एक्स वन बाई थ्री डी साइन टू एक्स इंटू एक बार अंदर वाला पार्ट लेंगे यानी डी साइन टू एक्स बाई डी टू एक्स और फिर एक बार डी टू एक्स बाई डी एक्स। अब इस पार्ट को हमें सॉल्व करना होगा, तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये आगे हो जाएगा वन बाई थ्री साइन टू एक्स वन बाई थ्री माइनस वन, और साइन एक्स का कितना होता है डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स, यानी हो जाएगा कॉस टू एक्स इंटू टू आगे ये टू हो जाएगा डी एक्स डी एक्स कैंसिल। अब इसको हम लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, थ्री और थ्री में से वन जाएगा कितना हो जाएगा वन बाई थ्री साइन टू एक्स माइनस टू बाई थ्री कॉस टू एक्स इंटू टू। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो माइनस है इसको जब हम नीचे ले जाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं टू कॉस टू एक्स बाई थ्री साइन टू एक्स बाई टू बाई थ्री। तो यही हमारा क्या होगा डिफ्रेंसिएशन होगा। एक बार फिर से आप बता देते हैं, आप देख लेंगे इस क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन था अंडर रूट थ्री साइन टू एक्स। तो इस क्वेश्चन के लिए हमने तीन फार्मूला यूज किया, डी बाई डी एक्स साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स के पावर एन इक्वल टू एन एक्स के पावर एन माइनस वन, और थर्ड था डी बाई डी एक्स के एक्स इक्वल टू के, फोर्थ था डी बाई डी एक्स के इक्वल टू जीरो। तो पहले स्टेप क्या होता है, वाई लेट करेंगे वाई इक्वल टू साइन टू एक्स, तो साइन टू एक्स इसको हम कह सकते हैं साइन टू एक्स के पावर वन बाई थ्री। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड वी गेट डी वाई बाई डी एक्स डी साइन टू एक्स के पावर वन बाई थ्री डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स डी साइन टू एक्स वन बाई थ्री और एक्स के पे साइन टू एक्स डी साइन टू एक्स का एक बार बाई टू एक्स और डी डी टू एक्स बाई डी एक्स, यानी ये वन बाई थ्री साइन टू वन माइनस वन बाई थ्री माइनस वन इन टू साइन का क्या होता है कॉस और टू का टू, यानी वन बाई थ्री जब इसमें से आप टू माइनस वन थ्री हो जाएगा, यानी थ्री में से वन माइनस करेंगे माइनस टू बाई थ्री कॉस टू एक्स बाई टू। अब ये जो माइनस है माइनस के कारण ये क्या हो जाएगा नीचे हो जाएगा, यानी डिनोमीटर में चला जाएगा साइन टू एक्स पावर टू बाई थ्री और थ्री है तो थ्री, ऊपर क्या बच जाएगा टू कॉस टू एक्स। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं।